Hello friends, today my mama is making baba mangan. And here is the recipe. और ये है हमारे टेस्टी भरवा बैंगन की क्विक रेसिपी। इसके लिए हमने 400 ग्राम छोटे छोटे बैंगन लिए हैं। इतने छोटे छोटे बैंगन आपको लेकर आने हैं, इन्हें अच्छे से धो लेना है और फिर इसके बाद इस पर हमने क्रॉस का निशान बनाना है। पूरा नीचे तक नहीं काटना है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अंदर इसकी कीड़ा है या नहीं है। ऐसे ही हम सबको काट लेंगे और पानी में भिगो के रख लेंगे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। और हम इसके अंदर बिना स्टफिंग के इनको फिर तलेंगे। तो यहाँ पे सब कट गए हैं और हमने इन्हें टावल से पोंछ लिया है। और इसके लिए हमने यहाँ पे 2 बारीक प्याज काट के रख दिए हैं, 2 बारीक टमाटर काट दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम दूसरे पैन में डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली के दाने, आधा चम्मच सरसों दाना, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 2 इलायची। और अब हम इसे हल्का रोस्ट होने तक पकने देंगे। जैसे ये अच्छी खुशबू आने लगे और ये हल्का ब्राउन हो जाए, इसे हम ठंडा करके मिक्सर में दरदरा पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे हमने दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और इसमें हम अपने बैंगनों को शैलो फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमने सारे बैंगन डाल दिए हैं और अब इन्हें ढक के 10 मिनट के लिए कम आँच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बैंगनों को बस हल्का सॉफ्ट करना है। और यहाँ पे बीच में मैंने इसे थोड़ा सा घुमा लिया है और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। और अब हम इसी कढ़ाई में 1 तेज़पत्ता डाल रहे हैं, 1 बड़ी इलायची और हमारे बारीक कटे हुए 2 प्याज। इसके बाद हम इन्हें हल्का ब्राउन होने तक पकने देंगे। जैसे ही ये हल्के ब्राउन हो जाएँ, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसे भी हम ब्राउन होने तक थोड़ा पकने देंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे बारीक कटे हुए 2 टमाटर और इसे गलने देंगे। जैसे ही आप टमाटर डालें तो उसके बाद ही नमक भी डाल दें, उससे ये टमाटर जल्दी गलेंगे। और ये हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे बाकी मसाले। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मिर्च डाली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया मूँगफली और बाकी का पाउडर बनाया हुआ था जो। और फिर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी, करीब 250 ml। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड बैंगन और इसको हम अब पकने देंगे 15-20 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और एकदम मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना चिपके। और इसके बाद हम इसे ढक के पकने देंगे। और अब हम चेक कर लेंगे, हमारे बैंगन एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर आपको सॉफ्ट नहीं लग रहे हैं तो आप निकाल के चेक करके फिर देखें। और ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ये हमारी झटपट बैंगन मसाला रेडी हो चुका है। Channel. Yes, give it. You can do it. Yes, till then. Then bye bye. See you soon. See you soon. In our next recipe. In our next recipe. Bye.